हे क्यूटीज़, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर यूँ कहते हैं कि ये क्राफ्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छी अच्छी चीज़ें तो हम मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो हाँ, क्यों नहीं, हम मार्केट से जो भी चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन खुद से बनाई हुई चीज़ों को बनाने में और पहनने में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप भी क्राफ्टिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्राफ्टिंग करने में एक बहुत ही अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज हम एक कुंदन स्टोन से बनी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी ट्राई करेंगे। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुंदन स्टोन से बनी ज्वेलरी कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसे देखो वही शादी पार्टी में कुंदन स्टोन से बनी हुई ज्वेलरी कैरी करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लास्टिक शीट का छोटा सा पीस कट करके उस पर फेविकोल ग्लू को अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम एक हाफ कट बीट लेंगे और हाफ कट बीट को सेंटर में स्टिक कर देंगे और इसके चारों तरफ ड्रॉप शेप वाले कुंदन स्टोन को एक एक करके स्टिक करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम सेकंड फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले कुछ कुंदन स्टोन को राउंड शेप में एक एक करके अच्छे से स्टिक करते जाएंगे और उसके सेंटर में एक हाफ कट बीट को भी स्टिक कर देंगे। इसके बाद हम बीट चेन लेंगे और बीट चेन की एक लेयर को इसके चारों तरफ अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब हम कुछ स्क्वायर शेप वाले कुंदन स्टोन लेंगे और इन्हें भी इसके चारों तरफ एक एक करके अच्छे से स्टिक करते जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा बची हुई सीट को कट कर लेंगे और दोनों फ्लावर को अलग अलग कर लेंगे। अब कुछ आई पिन लेंगे और आई पिन को थोड़ा सा कट करेंगे, फिर पहले वाले फ्लावर की बैक साइड पर पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से दूसरे वाले फ्लावर की भी बैक साइड पर एक आई पिन को अच्छे से स्टिक कर देंगे। अब एक आई पिन को ओपन करेंगे और इसे दूसरी आई पिन के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे, तो ये दोनों पीसेस आपस में अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम दोबारा फिर बहुत सारी आई पिन लेंगे और इन्हें बड़े वाले पीस के नीचे साइड एक एक करके अच्छे से स्टिक करते जाएंगे। मैंने इनको स्टिक करने के लिए फेविकोल ग्लू का यूज किया है, आप चाहें तो हीटेक्स का भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। इसके बाद हम 6 आई पिन लेंगे और 6 आई पिन को इसकी बैक साइड पर एक एक करके पेस्ट करते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम कुछ हेड पिन लेंगे और रेड कलर के बीट्स लेंगे। आप चाहें तो किसी और कलर के भी बीट ले सकते हैं, मुझे रेड थीम पर ईयरिंग चाहिए थे तो मैंने रेड कलर के बीट्स लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा हेड पिन को कर्व करके बीट को अच्छे से इंसर्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा हेड पिन को कट करके इसे आई पिन के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे और इसी तरीके से हम अपने 6 बीट को एक एक करके अच्छे से अटैच करते जाएंगे। वैसे अगर आप इस तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं डेली ईयरिंग, फिंगर रिंग वगैरह के ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। इसके बाद हम एक ईयरिंग स्टड लेंगे और फेविकोल ग्लू को अप्लाई करके ईयरिंग स्टड को इसकी बैक साइड पर पेस्ट कर देंगे। तो बनकर तैयार है हमारी ब्यूटीफुल से ईयरिंग। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।